हेलो, आज फिर से बिना कहलाए वाणी के लिए बहुत बड़ा वाला सॉरी बट मुझे हमेशा ऐसे ही अच्छा लगता है बिना कहलाए आओ आप सबसे बातें करूं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, कभी भी लाइव आ जाओ बट आज मौका भी है लाइव आने का। और एक्चुअली बहुत दिन से मैं सोच रही थी, सबसे पहले तो हाय, कैसे आप लोग, और बहुत मिस की आप सबको मैंने हमेशा की तरह। आई लव यू ऑल, हाय। चोट लगी है सर में, अभी ठीक है, हो रहा है, ठीक हो रहा है। और चोट की वजह से मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, इसलिए मैंने ये बैंड लगाया हुआ है। ओके, सो आज मेरी फिल्म इश्क रिलीज हुई है, तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी एंड शुक्रगुजार हूँ आप सबने इतना प्यार दिया है और हमेशा देते आए हैं, हर फिल्म्स को देते आए हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है इश्क, तो आप सब ज़रूर देखें। और मेरे साथ मेरे को स्टार है प्रदीप पांडे चिंटू जी और संजय पांडे जी, नहीं संजय पांडे जी इसमें नहीं है, ससुरा में थे, राज प्रेमी जी हैं, विक्रांत सिंह जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में, और बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छा फिल्म बना हुआ है ये, सो आप सब ज़रूर देखें आप सबके नज़दीकी सिनेमा घरों में। भोजपुरी में बोली, ओके। तो आज हमार फिल्म इश्क रिलीज भलबा, तो रवा सब लोग जाके जरूर देखी और अपन ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी हमारे फिल्म के। इतना आता है मुझे। ओके, सो का हाल बा करीजा, एकदम बढ़िया। थैंक यू शंभू प्रसाद, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सबसे बात करके। कोई गाना गाकर सुनाइए, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करके नहीं आई हूँ गाने का, सो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं गा पाऊंगी, वैसे भी नहीं गाती हूँ। अतुल बिंदास जी अगर समझे तो बहुत कुछ है, मैंने यहाँ पे किसी को देना नहीं है, खास करके बहुत सारे लोग हैं, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी ईश्वर है और हमारे ऑडियंस है उनके ऊपर है। एनीवेज कौन सी मूवी आ रही है आज, मेरी फिल्म रिलीज हुई है इश्क, तो उसी के लिए आज लाइव भी आई हूँ मैं। और आज आप सबसे मिलने का मौका भी मिला है बहुत दिन बाद लाइव आने के लिए, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सबको ईद मुबारक, मेरे जितने भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सबको ईद मुबारक, आप सबके परिवार को, आपको सबको, अल्लाह आप सबकी सारे विशेष पूरे करें और हमेशा आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। चलो मैं लाइव लेती हूँ किसी को। ओके, अगर मैं लाइव ले रही हूँ, किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछ सकते हैं। और हाय हेलो तक ही मत रखिएगा प्लीज, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ
अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। ऑल गुड यू से। ओके मैंने लाइव लिया हुआ है, अनेबल टू ज्वाइन। फाइन, यही प्रॉब्लम्स होती है। थैंक यू ईशानी रॉय, थैंक यू सो मच, लुकिंग क्यूट, थैंक यू। हेलो मैं मैम, आई बहुत कुछ लेकिन नहीं। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं? मस्त है, आप बताइए। आप मेरे जैसे गोले गोले एकदम। मैम आपके बहुत बड़े फैन है। मैम थैंक यू सो मच। मेरी स्क्रीन शॉट प्लीज। मैम ले लो ले लो। हो गया? और कहाँ से हो? आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक नेटवर्क उनका स्लो है। काजल रघवानी ऑफिशियल फैन, ये फैन है जिन्होंने मेरे नाम से ही रखा हुआ है और वो लड़के हैं। मैम आप कहाँ से हैं? अब इस वक्त कहाँ है? मैं अभी जस्ट मुंबई आई हूँ। मैम आपका बाएंगे इधर बनारस बनारस आना होगा एक महीने में। मैम आपके बहुत बड़े फैन है मैं। आप करो जी फिर से हम लाइक करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच। एक और स्क्रीनशॉट मैम, एक और। मुझे लगा ये मेरे नाम से है तो कोई लड़की होगी। नहीं लड़की नहीं, हम आपको बहुत बहुत फैन है मैम। थैंक यू। एक और स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ले लें मैम, ले लो फटाक से। रुकिए, एक भाई है मेरा, भाई। मैम मैम हेलो काजल मैम। हेलो, कहाँ रहते हो? अम्मा से बताइए और अपना। बहुत बढ़िया फिल्म लगी है इश्क, देखने जाना, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। आप कहाँ रहती है मैम? मैं मुंबई रहती हूँ। बनारस से बाहर नहीं है? हाँ, इनका नेटवर्क खराब है बहुत ज्यादा। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गोले गोले जैसे हैं मेरी तरह ही। चलो फिल्म प्लीज। लगी है, देखने जाना, ठीक है? और बताना कैसे। मैम आप कहाँ रह, आप कब बनारस आ रही हैं? मैं एक आध महीने में आऊंगी। हेलो कब? स्मृति लॉन देखी है? स्मृति लॉन हाँ? तरिया पर, स्मृति लॉन, स्मृति स्मृति लॉन। लॉन हाँ, बनारस में है। अच्छा, आप नहीं आई हैं के? सारी भैया तो आए हैं। मुझे याद नहीं है। ये सारी भैया तो आए थे, कब तक हुआ अभी? एल्बम शूट हुआ होगा ना, एल्बम के लिए आते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है ना ज्यादा। यामिनी दीदी भी आई थी। अच्छा हाँ हाँ, उनका एल्बम शूट हुआ, आए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। कब आएंगी? जब आऊंगी तब पता चल जाएगा। कांटेक्ट नंबर मिलेगा प्लीज मैम? हाँ मैं बाद में बताती हूँ।
सुबह इंस्टाग्राम में भेज दीजिए प्लीज, फिर बात करूंगी, ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर. ओके सो नेक्स्ट. इनको लेते हैं. हेलो इंस्टा से ब्लॉक कैसे कर दोगे देसी बॉय? देसी बॉय सुकून और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक. और सुकून की जर्नी एक्चुअली इश्क से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वो मेरे पास इश्क मूवी में ही आया था. तो सुकून भी कहेगा आपको जाके मूवी जरूर देखिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे और सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं. देखिए मैं टैग तो कर रही हूँ बट शायद किसी को फोन जा नहीं रहे, अनेबल टू ज्वाइन. ओके नो इशू. क्या बोलूं, बहुत टाइम बाद लाइव आते हैं ना, तो एक्चुअली कुछ दिन से चीजें ठीक भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था बिकॉज बीच में जो भी एक हेलो मैम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अभी तो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं. आराम से ड्राइव करो, आगे देख के ड्राइव करो, नहीं तो कहीं रुक जाओ. बहुत खुशी हुई आपसे बात करके मैडम. मुझे भी बहुत खुशी हुई. अभी ड्राइव कर लो, उसके बाद बात करेंगे. फिर कब लाइव आओगे आप? ओके ओके थैंक यू मैडम, बाय बाय. टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर. लव यू, लव यू टू. कट गया. But love you too. Love you all, actually. मुझे पता है ये लाइव के बाद कुछ लोग हैं जो मुझे कमेंट्स करने वाले हैं कि आपने इस बार फिर से बिना बताए लाइव आए हैं और हम नहीं देख पाए हैं. उनके लिए सॉरी बट आज फिल्म रिलीज हुई है और मैंने सोचा कि चलो लाइव आ जाते हैं और आप सबको बता भी दो. फिल्म रिलीज हो चुकी है इश्क, तो आप सब जरूर जाके देखे और अपना ढेर सारा प्यार दे हमारी फिल्म को. बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और सॉन्ग्स उसके बहुत ही प्यारे हैं और हमारे जो डायरेक्टर हैं राजकुमार पांडे जी हमारी इंडस्ट्री की नंबर वन डायरेक्टर तो है ही और उन्होंने बहुत सारी हिट्स फिल्में दी है इंडस्ट्री को, तो ये भी बहुत प्यारी फिल्म बनी है, तो जरूर देखिए अपना प्यार दे. सी मैं ऐड कर रही हूँ बट किसी को जा नहीं रहा कॉल, तो आई एम वेरी सॉरी उसके लिए. अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं. Priyanka, don't cry. Mate. Hello. Hi. कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मुझे तो लगा कि नहीं उठाइएगा. नहीं आपने वो कम
किया ना, मुझे रोना आ रहा है. मैंने बोला नहीं रोना नहीं. विश्वास नहीं हो रहा कि उठा लिया आप ऐसे कर ली. और बताएंगे. हेलो हेलो. नेटवर्क इसके लिए नेटवर्क पता नहीं क्या हुआ. बिल्कुल नहीं रोना नेक्स्ट बार के लिए. बिल्कुल नहीं रोना. और बताइए कैसी है. मैं बहुत अच्छी हूँ. आप कहाँ से हैं. मैं गोपालगंज में भी है. गोपालगंज ओके. बढ़िया. हमारी सब लगी है इश्क. देखने जाइएगा अगर वहाँ लगी है तो. जी जरूर मैं आपकी मूवी देखती हूँ. थैंक यू सो मच. और कौन कौन है घर में. घर पे बहुत लोग हैं. बात करेंगी. रुकिए बात कराती हूँ अपनी मम्मी से सासू माँ से. एक मिनट. वो भी बहुत आपकी बड़ी फैन है. हेलो. प्रणाम आंटी जी. प्रणाम. कैसे हो. खुश रहो. क्या हाल है. बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं. बोले हैं तो खुश रहो. हम लोग भी अच्छे हैं. तुम लोग भी अच्छे रहो. जी जी खुब. बस आप सबका आशीर्वाद बना. बहुत अच्छे. जी जी आएंगे आएंगे जरूर आएंगे. ठीक है. आशीर्वाद है. तुम लोग का आशीर्वाद तुम लोग के साथ है. थैंक यू सो मच. बहुत प्यारे. और बोलिए. और बस बढ़िया है. सब ठीक है. मुझे रोना आ रहा है. मैंने बोला इन्हीं से बात करूंगी मैं अभी पहले. सब बढ़िया है. चलिए ऐसे ही बात करते रहिए. खुश रहिए. टेक केयर. बाय बाय. आंटी को प्रणाम कहिए. बाय बाय. भी ठीक है. हाय कितनी क्यूट थी आंटी. बहुत अच्छी थी. इवन प्रियंका जी भी बहुत अच्छी थी. ओके सो फिर एक बार कहूंगी हमारी फिल्म रिलीज हुई है इश्क. जाके जरूर देखिएगा अपने जो भी नियर बाय सिनेमास हो जहाँ लगी हो जरूर देखिए. अपना प्यार दीजिए ढेर सारा हमेशा की तरह. और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और भी आ रही हैं. तो ये कौन रोने वाले इमोजीज सिलेक्ट कर रहे हैं. प्लीज गाइस बी हैप्पी. खुश रहिए. एक सिंपल सी बात है. खुशियां छीनने वाले बहुत बैठे हैं. बहुत सारे मतलब ऐसे स्टेप्स में है. बट हम खुश रहेंगे ना तो शायद उनको हमारी खुशी देख के लगेगा कि हाँ ये तो खुश है यार. हम कुछ भी कर ले कितना भी कर ले खुश है. और मैं खुश रह रही. आई एम वेरी हैप्पी. क्योंकि मेरे साथ मेरी हनी है. हना हेलो. हाय हना. हनी है. मम्मा है. और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं. मेरे फैंस हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड समझती हूँ और मानती भी हूँ दिल से. आप सब है तो फिर क्या कम है. ओके
आई एम बेबी, मेरी मम्मी का छोटा बेबी हूँ मैं और हमेशा रहूंगा. हेलो हाय, रास्ता ये रास्ता दिख रहा है जी. नमस्ते, कैसे हैं? हेलो, हेलो, आई थिंक नेटवर्क नहीं है, सो सॉरी राहुल जी, नेक्स्ट टाइम. भी गुस्सा आ रहा है. इट्स मी अंक यार, मैं इतनी स्वीट हूँ, गुस्सा क्यों करती हो यार? सच में हाय अंकु, टर्न ऑन वीडियो. हाय अंकु. हेलो मैम, लग नहीं रहा था मेरे को ऐड करेंगी. नहीं, मैंने वो मैंने पढ़ा गुस्सा आ रहा है, मैंने बोला गुस्सा नहीं होना चाहिए. तो मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आपको सामने से देखने का मन करता है. कहाँ रहते हो? मैं प्रेजेंट टाइम मुंबई में हूँ. अच्छा, मुंबई में हो? ओके, कहाँ मुंबई में? गोरेगांव वेस्ट. अच्छा ओके, यकीन नहीं हो रहा आपने मेरे को ज्वाइन कर लिया. कब से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, लग नहीं रहा. नहीं, एक्चुअली कमेंट्स भी बहुत फास्ट फास्ट जाते हैं ना, तो समझ में भी नहीं आता, फटाफट निकल भी जाता है वो. और वो गुस्सा वाला जो, और अच्छा और किसी ने लिखा हमें भी गुस्सा आ रहा है. सच में गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे गुस्सा आने लगे. और मैम आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कहाँ से हो वैसे? मैं हूँ जौनपुर से. जौनपुर से हूँ लेकिन शादी हो गई है ना, तो मुंबई आ गई. जौनपुर से? अच्छा, जौनपुर आप आई है ना मैम कई बार? अभी आई क्या? सभी तो गए थे हम जौनपुर. जौनपुर बनारस के आगे ना? हाँ, बनारस जौनपुर गई. हाँ, शूट के लिए गए थे. टाइम हो गया नहीं, सामने से देखने का मन करता है लेकिन क्या बताऊं, देख ही नहीं पाऊंगी लग रहा है. कभी देख लेंगे, कभी ना कभी तुम मिलेंगे. कहाँ रहती हैं? हाँ, आप मुंबई में कहाँ रहती हैं? मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी. ठीक है, आज मैं पुणे. घर पे सब बढ़िया है? हाँ जी, सब बढ़िया. मन कर रहा बस आपको ऐसे देखती रहूं. बहुत अच्छा लग. कभी मिलेंगे, सब बैठ के देखेंगे. हस्बैंड क्या करते हैं? कंपनी है. किस चीज की? लेट मशीन, पता नहीं आप जानेंगे. वैक्स मशीन? लेस मशीन, बोलते हैं लेस मशीन. वो एक्चुअली कट रहा है वॉइस ना, समझ में नहीं आ रहा. बोल रही हूँ ना, लेस मशीन की कंपनी है, लेस मशीन. पता नहीं आप जानती होंगी कि नहीं. अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ मैम से, बताऊँ बता नहीं सकती हूँ. चलो बी हैप्पी. पता है कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बहुत गुस्सा हूँ, गुस्से में मोबाइल फोड़ दूंगा एंड ऑल सारी चीजें. बहुत आपका जो था गुस्सा गुस्सा, तो गुस्से वाले आ रहे मैसेज. अब मैं बोल रही थी ना दीदू, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बार बार मतलब रिक्वेस्ट भेज रही हूँ. मैं भी जानती हूँ ना, बहुत रिक्वेस्ट आते होंगे. ऐसा तो है नहीं कि मैं ही बस मैसेज करे जा रही हूँ, मेरे पे ही ध्यान दे आप. नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, सबका तो दिख ही रहा है, बट कितनों के साथ ऐसे हो जाएगा. नेट मेरा खत्म हो जाएगा. हाँ वो तो है. ठीक है, चलो फिर किसी और से भी बात कर लूं, नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे सारे. चलो बाय, टेक केयर. बाय.
हाँ मेरी मम्मी को बाहर भी जाना है, कुछ सामान भी खरीदना है। अभी अभी जस्ट हम लोग आए हैं मुंबई। किसी एक से मैं बात कर लेती हूँ एंड देन फिर टाटा बाय बाय सी यू। मूवी जरूर देखिएगा और वापस लाइव आऊंगी, आप सबसे बात करूंगी। आरवी 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 एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है उस फिल्म में, ईयरवार होता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वो जब भी सॉन्ग आएगा तो जरूर उस पर रिव्यू भी बनाइए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग इश्क मूवी में। हेलो नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हेलो मैम कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया, आप कैसे बताओ? बढ़िया। और अरे मैंने आपको कमेंट किया था कि होम टाउन कहाँ पे आपका? मेरा गुजरात में। अच्छा गुजरात में, और बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कहाँ से? मैं न्यू दिल्ली। अच्छा अच्छा ओके, अभी तो बहुत गर्मी होगी दिल्ली में। हाँ दिल्ली में गर्मी बहुत है, भयंकर होगा। एंड देन मैंने आपके ना इवेंट मैनेजर को भी एक बार मैसेज किया था कि आपका कोई इवेंट है क्या दिल्ली में, कि मेरे को भी देखना है। दिल्ली में बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट इवेंट्स ही होते हैं, मतलब ऐसे पब्लिक इवेंट्स में ज्यादा होता नहीं है, कॉर्पोरेट इवेंट्स ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं एक बार आप नहीं, एक बार पिसारी भैया का भी इवेंट हुआ था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे हमारे ऑफिस में। दिल्ली में हमारा खेसारी इवेंट हुआ था लॉकडाउन के पहले। नहीं यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो हमारा डूसू ऑफिस है एक्चुअली, मैं मीडिया सेक्रेटरी हूँ वहाँ पे। अच्छा अच्छा ओके, तो हमारा मीटअप हुआ था या। चलो बढ़िया, जब भी आना। देन पहले मैं आपकी ना वीडियोस वगैरह नहीं देखता था, लेकिन मेरी एक सिस्टर है जो एकदम आपकी डिट्टो कॉपी है। चलो सिस्टर की वजह से तो देख रहे हो। एक्चुअली मैं जब गाँव गया था तो उससे मैं पक्का ना सिस्टर ही गर्लफ्रेंड नहीं है अभी वो लाइक नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, ये उनसे बहुत दूर रहते हैं हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं। तो हम लोग यानी मैं अपने सिस्टर से बात भी करता हूँ ना, तो सी आपके फोटो या रील से शेयर होते, बात तो होती नहीं क्यों ऐसे पता नहीं, मिस उसकी शक्ल और आपकी शक्ल एकदम सेम लगेगी। अच्छा एंड देन वो बार बार आपकी फोटो देखी जाएगी, क्यूट लग रही है ना, मैंने कहा हाँ बहुत क्यूट है। आपकी सिस्टर को थैंक यू बोलना और बहुत सारा लव यू बोलना मेरी तरफ से। क्या नाम है? जरूर मैं उनका है शिवांगी विश्वकर्मा। शिवांगी विश्वकर्मा आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी। थैंक यू, मैं रिकॉर्ड कर रहा है इसीलिए मैंने हो जाएगा रिकॉर्ड, उसको दिखाऊंगा मैं। चलो आपका इवेंट होता जरूर बताइएगा मुझे। आज होता है तो वीडियो तो बन ही जाता है, बाइट बन ही जाता है। नहीं नहीं मैं आऊंगा डूसू में, आपसे मीटअप करूंगा वहाँ पे भी। कोई बात नहीं जरूर जरूर मिलेंगे, जरूर दिखाऊंगा मैं। ठीक है बाय द वे मैं भी एक आर्टिस्ट ही हूँ, मैं पोएट्री टाइप रैप्स वगैरह लिखता हूँ। चलो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके सो हमारे साथ थे शिवांगी के भाई। कॉल और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते ना, बस हाय हेलो कैसे है कहाँ से है, खाना खाया
क्रश, मुझे आपका तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ये बीमार होता है We have no request. ऐसा दिख रहा है बट रिक्वेस्ट बहुत सारे हैं तो हम लोग इनसे बात करती हूँ। मैं भाव नहीं खाती, बस बहुत सारे रिक्वेस्ट है ना, सो इस वजह से। फिल्टर अच्छा है ना? हाँ, ये मेरा फेवरेट है एक्चुअल में। और वो जो टिम टिम वाला है ना, जिसमें मैं ज्यादातर रील्स बनाती हूँ, जिसमें स्टार्स दिखते हैं, वो भी मेरा फेवरेट फिल्टर है, तो मैं ज्यादातर उसी में रील्स बनाती हूँ। वो स्टार्स ऐसे 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 चमकते हैं ना, आई लव स्टार्स। सी, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। और इसमें होप भी लिखा है, होप। तो इन फ्यूचर जब भी मेरा होगा तब मैं उनका उसका नाम होप रखूंगी, पेट नेम रखूंगी। हाँ बेबी, ये मैंने सोच के रखा है एंड उसको यही पिलो दूंगी मैं सोने के लिए, बोलूंगी तेरी नानी ने दिया है तुझे। देखो मेरी नान नानी। नानी गुस्सा हो रही है, जैसे आप लोग ने कमेंट्स किए ना वैसे ही गुस्सा हो रही है आज। मम्मी को अभी बाहर जाना है, मुझे गुजराती क्या मुझे लेके जाना है मम्मी को। मैं मैसेज रीड करते करते गुजराती आ गया। मम्मी को बाहर ले जाना है। सो फ्रेंड्स, सी यू एंड जरूर देखो मूवी और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। मराठी मुझे आती है क्रश, मैं तुम मुझे नहीं दिख रही हो। क्रश के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बट वो मुझे दिख नहीं रही है, सो आई एम वेरी सॉरी। तुम अगर मुझे हाय लिख के भेजोगी अगर कमेंट में तो मैं तुमको ले लूंगी। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रही थी, हाँ फिल्म लगी है इश्क, तो जाके जरूर देखिए, अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और मैं बहुत जल्द वापस। नेट खत्म हो गया, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम क्रश आई लव यू। नेक्स्ट टाइम जरूर लाइव आऊंगी, तब बात करूंगी आप सबसे। Till then, see you and love you and Eid Mubarak आप सबको, हमारे जितने भी दोस्त हैं, आपको आपके पूरे परिवार को Eid Mubarak। Love you guys, take care.